हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। फूट गए हैं भाई, और मौसम हो रहा है बहुत ठंडा। आज पंखे में भी ठंड लग रही थी आज तो, और दोनों बच्चे बीमार हो गए हैं। कनक के पापा के भी गले में दर्द होने लग गया, क्योंकि मौसम एकदम से ऐसे चेंज होया, बस सारे एकदम से बीमार हो गए। और गला थोड़ा थोड़ा ख़राब हो, मेरा भी होने लग गया। कनक के पापा जा रहे दूध लेने, और मैंने बनाई है चाय। ये देखो अभी दिखाती हूँ, और ये स्नैक्स बनाए हैं थोड़े से, थैली में डाल दिए मैंने, क्योंकि सील जाते अभी। कल परसों भी बनाए थे मैंने, तो जितने खा लिए गरम गरम उतने खा लिए, बाकी के रखे हुए ना वो थैली में डाल के रखने में भूल गई। नीचे दुकान में चली गई बना के, तो वो सील गए भी, फिर वे खाने हो गए मुश्किल। और फिर और बनाई है चाय, ये देखो ग्लास में डाल रखी है। अभी आ जाएंगे और दूध लेने जा रहे हैं, थोड़ी सी मैं भी पीऊँगी, क्योंकि मेरा गला खराब हो गया अभी आज। और बच्चे अभी रहे हैं सो, अभी उठाए नहीं है, क्योंकि हम भी आज लेट उठे हैं भाई। छुट्टी है आज बच्चों की, और मौसम बिल्कुल ठंडा हो रहा है, तो अभी उठे हैं बस। अभी चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर देखते हैं भी क्या क्या करेंगे। आज लेकर आई भी कड़ुल्ली, कई दिन तब नहीं देख आ रही थी, वैसे दो तीन दिन के लिए कर सकते हैं बस, वीडियो शूट ना कर पाई है। और देख घने दिन पहले आई थी बननी। ये देखते हैं ये वाला डिजाइन है, पेच वाली है, इधर से पेच ऐसे खुल जाते हैं, टाई तो बंद हो रहे हैं। ये देखो ऐसे खुल जाएगी, फिर चांदी थोड़ी सस्ती होगी इतना कनागता में, मैं जब दी आई थी बननी ये चीज। मेरा मन करेगा तो पैर भी लूंगी, और ना तो भाई बनवा ली है। ये देखो ऐसे पेच खुल जाता है, और जी करा तो इसने मतलब इस्त्रियाँ यहाँ से टाइट भी हो जाएंगे, ऐसे खुल पेच लग जाएगा यहाँ पे, ये जोड़ है। और ये एक वे थी खुलन बंद होने वाली, जैसे मेरे कड़े हैं ना ये इस्त्रियाँ में आती हैं वे, भाई ज़्यादा मैंने पसंद आई, मैंने ये पेच वाली ज़्यादा अच्छी लगी, किस्त थोड़ा सा ना टाइट हो जाया करेगी इसलिए। तो ये बनवा के लाई हुई, हाथ की बनी ओढ़ है ये, मशीन की चीज़ में बनवाया ना करूँ। वह जेब लेकर आई थी वे भी हाथ के लेकर आई थी मैं, और ये भी हाथ किए हैं, ये वे पहननी नहीं है, देखेंगे कदिन का मुहूर्त दगा बनवा के धरती है। देखो दिखाऊँ, ये देखो मेरी भी दिखा दे, ये देखो भाई अंगूठी, ये कनक के पापा की है, दो ये और हैं। ये पहला बनी थी, ये बनी थी सन 82 में, सन 82 में मेरा ब्याह हुआ था, और जब ये बनी थी देख लो भाई कितने झूठ बोल रहे हैं, 82 में ना बनी हुई ये, मेरी हमारी खाई पियाई दी ठीक है, बहुत माल खाया हमने, जब चाल रहे हो ना मेरी गल के कणखरे चालिए ऊपर। तीन अंगूठी भी इनकी होगी भाई, चार बनवाई है मेरी, तीन कहानी हो से। अच्छा पर मेरी भी भाई देख लो, ये मैं पैर रही चौथी और बनवा दे लाग ले फट के, क्या एक और बनवाऊंगी आज, सोच रही हूँ एक और देख आऊंगी बनने, सच बन जाएंगे भाई। पापा की बनवा दे फिर चौथी, भी चार बनवा दे पापा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा खराब हो से ना, अपनी ने राख ही ना, मैं तो ये पैर लूंगा देख ले, चीज बनवाओ है, चीज बनवाओ नहीं के तो जोड़ा बनवाओ है। ये देख लो कनक बना ली सिमी दूध में, ये भी गरम गरम खा लेंगे, जुकाम हो रहा है सारे के, सर्द गरम बन के।
वो कल भी कह थी मेरे ते बनाने की, फिर ने बोली मम्मी मेरे ते बता दे मैं ही बना लूँगी, तो उसने खुद ही बनाई है। ये देखो भाई ब्रेसलेट, सामान लेने गए थे उस दिन कनक लेके आई है ये खरीद के अपने लिए। सफाई वगैरह बिल्कुल हो गई है सारा काम हमारा। आज खाना बनाऊंगे थोड़ा सा लेट खाएंगे जब सफाई का सारा निमट गया है। पंखे चला रखे हैं मगले भाई, थोड़ी सी पोचा लगाया था तो मगले सूख जाएगा सारा। मौसम बिल्कुल ठंडा हो रहा है, ये देखो सूर्य देवता बिल्कुल नहीं निकल रहे। और यहाँ देखो इन्होंने खड्डा खोदा था कल, जो खारा पानी आता है ना उसके लिए ढूंढने के लिए। और मिट्टी डाल कर गए कम, और ये देखो बिल्कुल खड्डा हो गया, ये आज हमने डालना पड़ेगा। कह कर गए थे इसके पापा अगर अच्छी तरिया कर जियो, इसने सारी ऊपर निकल कर गए देखो अलग से मिट्टी छोड़ कर जा रहे हैं। अब ये करनी पड़ेगी क्योंकि नहीं तो पानी भर जाएगा और पानी भरने के बाद हो जाएगा नुकसान। ये देखो भाई पेठा लग गया हमारा, फूल जड़ जा है, ये जड़ गए जुकर, ये देखो बस ये एक का लग गया है। दोपहर हो रही है भाई, कल व्लॉग बनाने के बाद उसका आगे का पार्ट आज शूट कर रहे हैं भी अगले दिन। आज निकल गई है धूप बिल्कुल जोर से, देखो बाहर दिखाई दे रही होगी बहुत जोर से धूप निकल रही है आज तो। बारिश का मौसम हो गया ख़त्म और सिर में दर्द हो गया भाई क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, दुकान में नीचे भी काम और सिलाई का भी। प्रेशर की वजह से नींद पूरी ना हो पाती, नींद पूरी ना होने की वजह से हो रहा दर्द बहुत ज़्यादा। रात को हो गया था सोती सोती गया, अचानक आँख खुल गई बहुत जोर का सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कनक का चाय बनवाई। कनक स्कूल से आई थी तो देर पहले, वहाँ कनक चाय बना दे, वैसे तो मैं बहुत कम पीती हूँ मतलब यार चाय पी लेंगे थोड़ा सिर में आराम हो गया था क्योंकि कपड़े सिलने भी कपड़ा का प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा। ना 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 करते करते भी भाई गणे सारे हो गए, जहाँ अपने आप मना करते करते भी मना करते करते भी ने सोच लो हर बार का ही काम है मेरा सूट रह जा सिलना, अरोरा का प्रेशर इतना ज़्यादा रहे है बस मना भी कर दूँ टाइम का इतना सिल लेंगे भाई इतना सिल लेंगे, फिर भी नहीं कहते हैं कुर्ती कुर्ती सिलनी है फुलाना करना है ये थोड़ा ही काम है नहीं है कोई जा भी बनाएंगे। रात तो सिर की दर्द की वजह से नाक ना खुल रही, सूट सिलन लग गई थी प्लाजो तो देखो इसका सिल दिया मैंने, ये देखो करेब में ये सूट प्लाजो सिलवाया इसने सलवार नहीं सिलवाई, और इसका ये कुर्ता है अभी सिल रही थी बस, फिर मैं बीच में चाय पीने के लिए रुक गई। ये देखो ये कटिंग तो कल कर दिए थे भाई, लेकिन फिर ना दुकान में भी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है काम का इसलिए कल सिल नहीं पाई। एक देखो ये काट कर रख रखे है ये वाला कलर है, इसका भी प्लाजो सिल लगा, और एक है ये नेट में उसके कहा था भाई तीनों आगे जोटा मारूंगी शाम थी तीनों करने की कोशिश है, और फिर भी बाद में भी रह जाएगा एक ब्लाउज एक कुर्ती और करनी है इससे अलग, और मेरा तो कोई नाम निशान भी नहीं है भाई, हर दिन रह गया सिर्फ कल कल का और रह गया परसों का वर्थ है ही, हर बार का ही काम है भाई सबके पास इस दिन नाम है ना ये सब सिलवान लागे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहे कपड़े का।
इसलिए। और फिर घर का भी काम हो गया है, साथ में दुकान का भी हो गया, घड़ाई काम हो गया भाई, थक गए काम कर कर कम ते। सुबह ते ही भाई दुकान में तो उठ के कना कर आ गए थे स्कूल में, तय कनक अब नीचे जाकर काम कर लेगी बैठ के, और छोटी मोटी चीज़ तो वही कनक दे देती है, बाकी कोई ज़्यादा वैसा कस्टमर आओगा तो मैं दे दूँगी जाकर नीचे, गले में सूट सी ली हूँ, चाय बना कर देकर वहाँ मेरे नीचे गई। ये देखो भैया जो आए नाले बिस्कुट हैं, इतने बड़े बड़े बिस्कुट ले आए इसके बार कनक के पापा, और मन्ना बहुत बढ़िया लग गए हैं, आजमा भी सही हो जाए तो अजवाइन पड़ी उड़ो ना तो सेहत दे भी गुने। लेकिन हम छोटे वाले पैकेट लिया करें, यहाँ पे बेकरी वाले कई बार बेचने भी आते हैं उनसे भी ले लेते हैं, घर का सामान लेके आती हूँ तो उनमें भी ले आती हूँ मैं। और ये अब की बार कनक के पापा लेकर आए, साइज इतना बड़ा है का बिस्कुट बहुत है, एक में पेट भर जावा रहते हैं, एक बिस्कुट खा लूंगी क्योंकि सुबह खाना खाया था, फिर गोली मैं कम लेती हूँ भाई, मैंने सोचा ऐसे आराम हो जाएगा लेकिन होया ही नहीं, अब लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर ऐसे सिर में दर्द रहा ना तो फिर काम नहीं हो पाएगा, सूट नहीं सिल पाएंगे, और ये है ज़रूरी भाई, वैसे तो चाहे एक दिन लेट भी हो जाए लेकिन ये करने बहुत ज़रूरी है। पिको वगैरह करी थी शाम को, रात ने भी 11-12 बजे थी लागी रूम में, क्योंकि 8 बजे के बाद तो दुकान न बढ़ाऊँगा, 8 बजे 8 बजे नीचा आ गए भाई दुकान में। ये देखो मेरे पीछे बिंदी लगा रखी है, और नज़दीक तक करके दिखा दूँ, और देखो इधर भी है, ये भी नेल्स है, ये सामान ही लेकर आई थी सारा वो लाग रहा है, ये देखो और ये देखो सामान, एक ये लेकर आई थी मैं थाली, ये एक ऊपर भी लगा रखी है, काफ़ी सारी तो बिक चुकी हैं, ये बच्चिया की चूड़ी वगैरह हैं, मेहंदी की कुप्पी, नेल पेंट, मतलब ये सामान मैं लेकर आई थी तब तो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, अभी दिखा रही हूँ, ये छलनी है डेकोरेशन हुई हुई, और ये देखो थाली के और डिज़ाइन दिखा देती हूँ, एक डिज़ाइन ये है, एक डिज़ाइन ये है भाई, मेहंदी ये टैटू में भी आ रही हैं इस तरिया की, और सूट बहुत सारे आ रहे हैं, काफ़ी सारे तो चले गए अरे काफ़ी सारे रह भी रहे हैं, बहुत सारा सामान लेकर आई थी भाई। यह मेरी दुकान की लोकेशन देख लो भाई, किस तरिया मैंने जचा दिया, बारडमिया में भी सूट टांग रखे रेड कलर के भी, और भी हैं, ये सरारे में सिल्क टांग रखे हैं इधर तक, ये देखो शरारा, और एक ये है, अंधेरा हो रहा है असल में, साफ ना दिखाई देते इतना, ये बारडम यहाँ में टंग रही है, और परली दुकान और दिखाऊँ मैं आपने, कई दिन हो गए लगाए हुई ने सामान लगा दिया मैंने, ये देखो ये इस दुकान का दूसरी वाली का, ये लाइट वाली तस्वीर वगैरह हैं, जोत है छोटी बड़ी, और ये फोटो फ्रेम है जो जलता हुआ दिखाई दे रहा है आपने गोल टाइप में, और ये साईं बाबा में मंत्र है कई तरिया के, और ये इधर देखो ये इधर शो पीस हैं, घड़ी वगैरह, राम दरबार, फ्लावर पॉट, मतलब हर एक तरिया के गिफ्ट आइटम हैं,
ऊपर भी है फ्लावर पोट, देखो मेरे कपल है, फ्लावर पोट है अलग, ये देख लो ये वाली मैंने दुकान तैयार कर दी। इसकी ताली बंद, ताला बंद कर रखे भाई, दक्ष लेकर जा रहा है। ये सीनरी वगैरह सारी तरिया के आ चुकी हैं, काफ़ी सारा सामान दिवाली का लिया आए हैं, बाकी जो रह रहा है वो ले कर आऊँगा भी करवा चौथ के बाद। जिसने भी चाहिए हो, जो चीज़ अच्छी लग गए वो ले जाइयो, काफ़ी सारा सामान मतलब आ चुका है दिवाली का भी, कुछ थोड़ा बहुत रह रहा है वो करवा के बाद ले आऊँगी। और ये सामने जो राधा कृष्ण की गोल्डन में और सिल्वर में दिखाई दे रही ना, वो भी लाइट वाली है। टेडी बियर आए हैं, गुड़िया वगैरह भी हैं, लाइट वाली गुड़िया भी लेकर आई हूँ, मतलब बच्चा के खिलौने भी और वैसे शो पीस भी, और एक तरिया की चीज़ मिल जाएंगे अपने गिफ्ट आइटम में। यह होगी भाई मेरी दुकान तैयार, कमेंट्स करके बताना भाई कैसी लगी मेरी दुकान आपको। ये नई वाली दुकान है जो नई तैयार करवाई है, और बताना क्या कुछ और रखना चाहिए इसी दुकान में। दक्ष ने बांट दिया भाई प्रसाद, आज मंगलवार है ना, प्रसाद बांट रहा है। देखो जोत लगाया है ये ऊपर, तोड़ से डाल दे, रात हो गई है भाई, बस ही बढ़ाऊंगी दुकान। ये शोकेस में लगा दिया है ये सामान, देखो चूड़ी वगैरह कड़े वगैरह, बता देना भाई वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, चैनल को जो नए आते भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिया करो। अरे ऊपर जाकर सिमूंगी भाई सूट, कोई कस्टमर आ गया था इसलिए नीचे दुकान में आ गई थी। आपको मैंने दोनों दुकान दिखा दी हैं, ये मेरी पहले वाली दुकान है, वो अभी नहीं करी थी जो वो दिखाई थी। और बताना कौन सी दुकान अच्छी है, कैसी लगी आपको, कमेंट्स करके बता देना भाई। ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो जो नए आते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा भी आपने आगे का, तब तक के लिए सबको बाय बाय।